मैंने एक बैंक साथी का रील देखा कि आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट के अर्निंग कर सकते हैं. फिर मैंने एक खुद का एक लीड जनरेट करी और वहाँ पे लीड में मेरे को बता दिया गया कि इस डेट को मेरे को जो पे आउट है वो रिलीज्ड हो जाएगा. जब मैंने विड्रॉल करा इन सेकंड वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया. बैंक साथी एक ऐसा सोर्स है जिसमें आपको टाइम बिल्कुल एक होते आप अगर सिर्फ 10 या 15 मिनट में एक लीड जनरेट करके ईजिली 400 से 500 रुपीज अर्न कर रहे हो तो कितना सही है. जहाँ अपन अपने 8 hours से 9 hours कंप्लीट देते हैं किसी भी जॉब को तब जाके अपन 300 से 400 रुपीज़ अर्न कर पाते हैं पर डे का. और इस एप्लीकेशन को यूज़ करना इतना इजी है. बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के. आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें. नमस्कार, मैं हूँ दीप और आज हमारे साथ में है उन्नति. हम उन्नति से बातचीत है जो ये करने वाले हैं. उन्नति से बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि हम आमतौर पर देखते हैं कि जो लड़के होते हैं उनको मानते हैं कि वो घर चला सकते हैं, लेकिन उन्नति लड़की होकर भी है अपना घर है वो चला रही है. तो बहुत बहुत स्वागत है झलको में उन्नति आपका. थैंक यू सर. तो उन्नति थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि क्या आपके घर की कंडीशंस हैं और कैसे आपने कमाने के बारे में सोचा. कंडीशन ऐसा है कि अब घर में फादर है नहीं मेरे और मम्मी को थोड़ा हेल्थ इशू है तो सारी जिम्मेदारियां फिर मेरे ऊपर ही थी. मुझे हर चीज़ मेंटेन करके चलना था, मेरे घर का टाइम भी और फिर फाइनेंशियल भी कुछ सोर्सेज होना ज़रूरी था. तो फिर मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स करना स्टार्ट करा, मैंने सोचा कि मैं इससे कुछ अर्न भी कर लूँगी और मैं घर पे भी अपना टाइम दे पाऊँगी. बट उतना कुछ वहाँ से मेरे को ऐसा फ़ायदा हुआ नहीं. और फिर मैंने एक बार जब मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक बैंक साथी का रील देखा कि आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट के अर्निंग कर सकते हैं. तो फिर मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैंने वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया. डाउनलोड करा फिर वहाँ पे मैंने पहले उस चीज़ के बारे में अच्छे से रीड किया कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं. तो फिर मैंने एक खुद का एक लीड जनरेट करी सेविंग अकाउंट में, कोटक सेविंग अकाउंट की. तो वो इजीली सक्सेसफुल लीड कंप्लीट हुई और वहाँ पे लीड में मेरे को बता दिया गया कि इस डेट को मेरे को जो पे आउट है वो रिलीज्ड हो जाएगा. और तो मैंने वेट किया और मेरे को उस डेट को पे आउट आ भी गया. और जब मैंने विड्रॉल करा इन सेकंड वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया. तो वहीं पर मेरा इंटरेस्ट और बिल्डअप हो गया. तो मैंने वहाँ से इंस्टाग्राम से स्किप किया पूरा जो भी था, फिर मैंने बैंक साथी पे फोकस किया अपना सारा. रील्स जो आप बना रहे थे रील्स आपने बंद कर दी बनाना क्योंकि आपको इनकम वहाँ से है. हाँ. दूसरी जगह से. अच्छा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ज़्यादातर ये देखते हैं कि फैमिली में लड़का है वो घर चलाएगा या ये समाज में है भी ये सारी चीज़ें, तो आप में वो हिम्मत कहाँ से आई कि नहीं मुझे करना है. क्योंकि एक होता है ना जब जिम्मेदारियां आती है सारी सब अपने ऊपर तब अपने आप वो हर चीज़ करने का एक होता है कि करनी ही पड़ती है. क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक मैं ही थी जिस हर क्योंकि फिर मेरी एजुकेशन को लेकर मेरे को फिर जॉब पे जाना और फिर वहाँ पे घर पे टाइम देना, जॉब भी करना, हर चीज़ मेंटेन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था. बैंक साथ एक ऐसा सोर्स है जिसमें आपको टाइम बिल्कुल एक होते आप अगर सिर्फ 10 या 15 मिनट में एक लीड जनरेट करके ईजिली 400 से 500 रुपीज़ अर्न कर रहे हो तो कितना सही है. जहाँ अपन अपने 8 hours से 9 hours कंप्लीट देते हैं किसी भी जॉब को तब जाके अपन 300 से 400 रुपीज़ अर्न कर पाते हैं पर डे का. बट यहाँ इजीली अपन 10 से 15 मिनट में एक लीड जनरेट करी और वो ट्रैक होती है 2 से 3 days में आपकी और अपडेट आपको मिलता है और आपका पे आउट आपके पास आ जाता है जिसे ईजिली आप विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में. और इस एप्लीकेशन को यूज़ करना इतना ईजी है. आपको सिर्फ ओपन करना है, सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको पूरे एप्लीकेशन में दी गई है. मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत. ये बताइए कि इसके जो एप्लीकेशन है इसके जरिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वो की जा सकती है.
इस एप्लीकेशन के ज़रिए एक तो आप है ना रेफ़र करके, सबसे बेस्ट है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। रेफ़र में ये होता है कि आप किसी को रेफ़र करते हैं अपने फ्रेंड को, तो वो वर्क को इस एप्लीकेशन के बारे में बताओ। हाँ, एप्लीकेशन को रेफ़र किया, अब आपका वो फ्रेंड वर्क कर रहा है, तो आप वो जितना भी अर्न करेगा ना, ईजिली 10% कमीशन उसे उसका मुझे मिलेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। इस तरीके से मैंने बहुत से, जैसे स्टेटस होता है व्हाट्सअप पे और इंस्टा में करती थी, तो फॉलोअर्स के मैंने वहाँ पे इंस्टा पे डालने का किया, तो वहाँ से मेरे को रिक्वायरमेंट आई कि मुझे भी करना है, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर्स है उनको ट्रेडिंग वगैरह डीमैट में काफ़ी इंटरेस्ट होता है ना, तो बट कहीं ना कहीं वो पता नहीं कर पाते कि कौन सा करे, कहाँ से ओपन करे, है ना। तो वहाँ पे मतलब वो मेरे फॉलोअर्स थे तो मुझे जानते थे, तो उन्होंने मेरे से कम्युनिकेट किया, मैंने उनके उनको डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करे, मेरा भी इनकम हो गई और उनका भी मतलब बेनिफिट हुआ। अच्छा, वैसे सर्विसेज क्या क्या है जो, जैसे इसमें से कौन कौन सी चीज़ें अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं? सर्विस इसमें काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सेविंग्स है, डीमैट है, और लोन है, पर्सनल लोन है, जो कितना मतलब एक आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं इतने सारे, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपन आराम से वहाँ पे उस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन सारा सब पूरा प्रोसेस वहाँ पे हो जाता है, विदाउट आपको डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करना, ये करना, वो करना, कोई झंझट वाली बात नहीं है। सेकंड इसके अंदर ITR टैक्स है, जिसमें आप जैसे पर्सनल CA तक अपॉइंट करने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे आप उस चीज़ के लिए अप्लाई करके ITR भी रिटर्न फाइल भी कर सकते हो। और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अगर अपन वर्क करके ईजिली काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। जैसे शुरुआत किसी को अगर करनी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं इसका? प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, बैंक साथ ही रेफरल रनिंग ऐप, वहाँ पे प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करके उसका जो भी ट्रेनिंग वीडियो भी एप्लीकेशन में दी गई है वहाँ पे वो ट्रेनिंग वीडियो देख के बहुत ईजी है, वहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है और स्टार्ट करके अपना जो भी लीड्स वगैरह जनरेट करके अर्निंग कर सकता है। तो आज के वीडियो में हमने उन्नति से बात की, इनके बारे में जाना और कैसे ये ऑनलाइन है वो पैसे कमा रहे हैं इसके बारे में भी इन्होंने बताया। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके पास ही बना बेल आइकन दबा लीजिए। मैं हूँ दीप, जय हिंद।